अच्छा मान लो कि कल वाले राय के अंदर हाइब्रिड मोड ऑफ एग्जामिनेशंस को बोला गया था, तो तुम लोग कौन सा वे चूज करने वाले भैया? व्हाट विल हैपन टुमारो? एंड भैया आप पिछले दो दिन से कहा थे, मींस वी हैवंट गिव एनी अपडेट रिगार्डिंग दिस एंड यू हैवंट पोस्ट एनी वीडियो। यार ऑब्वियसली आई वाज बिजी विद माय कॉलेज एंड आई वाज नॉट इन माय होम, ठीक है ऑन दैट केस। अच्छा भैया बात क्या है यार, बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या सुनाने वाले है, कल क्या राय देने वाले है, कल का क्या राय होगा या फिर क्या हियरिंग होगा, ये लेके बात करने वाले है। तो थोड़ा मैं इलाबोरेट करूंगा इस वीडियो को, ठीक है। एंड क्या हियरिंग कल हो सकते हैं कोर्ट के अंदर? भैया कोर्ट के आप क्या बात कर रहे हो, जो लोग लास्ट वाले वीडियो को नहीं देखे थे यार, मैं सबको थोड़ा शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया गया है बाय 6 स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स रिगार्डिंग द कंडक्शन ऑफ CBSE एंड ICSE ऑनलाइन बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड दे राइट नाउ वांट द हाइब्रिड मोड ऑफ एग्जामिनेशंस। में व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड मोड, मैं इसके ऊपर बात किया था यार, ठीक है, थर्सडे को, ठीक है। 20 पे यार वीडियो डाल नहीं पाया था, तुमको अपडेट दे नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सम वर्क, आई वॉज नॉट ऑन दैट मूड, ठीक है। अच्छा तो भैया कल क्या कुछ बड़ा दिन बनने वाला है? हाँ यार कल कुछ बड़ा डे बनने वाले है। देखो यार मैं शॉर्टली यार बोलना चाहता हूँ कि जो फाइल किया गया था बाई एडवोकेट सुमंत नकोला ने, उन्होंने ये स्टेट किया है कि सिंस देर हैज बीन ए शार्प इंक्रीज इन COVID-19 केसेस अगेन इन द कंट्री, the students provide the option to take term 1 board examinations in online or offline mode by the central boards, theek hai। acha abhi wo log ye mang rahe hai ki bhaiya agar jis tarike se covid badh raha hai uske bas karte hue hum ek online and offline dono hi hybrid mode rakhenge। acha first point ye hai ki I do agree with the point, 2 saal se like online mein hum study kiye hai, theek hai, तो उसके बाद ऑफलाइन एग्जाम क्यों? एंड उसके ऊपर से राइट नाउ कोविड केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे राइट नाउ, ठीक है, या आई डू एग्री विद द पॉइंट। बच्चा अगर हम हाइब्रिड मोड ऑफ एग्जामिनेशंस रखते हैं तो क्या तुम लोगों को लगता है कि हर एक बच्चा ऑफलाइन में जाएगा? नहीं जाएगा, सब लोग ऑनलाइन में ही आएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल प्रेफर ऑनलाइन एंड आई डू एग्री विद द पॉइंट कि हाँ ऑनलाइन में ही जाना ज़्यादा बेहतर है बिकॉज लास्ट 2 साल से हम ऑनलाइन के अंदर ही पढ़ाई की है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर और एक चीज है, तो ये है कि द CIC अर्लियर स्टेटेड दैट दे आर गोइंग टू गिव ऑप्शन टू टेक टर्म ऑन एग्जामिनेशंस आइदर इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, बट लेटर दे डिसाइडेड दैट कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स करने वाले हैं ऑफलाइन में। मतलब पहले CIC बोला था हम लोग अगर एग्जाम्स करने वाले थे हम दोनों ही मोड रखेंगे आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, बट राइट नाउ CIC लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था उसके बेसिस हम सिर्फ ऑफलाइन करने वाले। अच्छा इसके लिए और कुछ चीज़ है जो मैं तुमको बोलने वाला हूँ, उसके पहले छोटा सा एक अनाउंसमेंट है वो सुन लो, उसके बाद आ रहे हैं। इफ यू आर फोकसिंग फॉर लॉ और इफ यू टू गो फॉर लॉ आफ्टर योर 10th एंड 12th ऑन दैट केस यू कैन चेक An Academy. So, An Academy bring for you the 2 new batches for law aspirant. One is core booster batch for 2022, a 6-month comprehensive batch जो start हो रहा है from 17th of November 8:30 बजे से, ठीक है यार date याद रखियो। English और हिंदी के अंदर तुमको पढ़ाया जाएगा, ये 6 months के comprehensive batch है। अच्छा और एक batch है जो evolve है, ये beginners batch है for CLAT 2023 aspirant के ऊपर, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 19th ऑफ नवंबर, इंग्लिश हिंदी का अंदर तुमको पढ़ाया जाएगा, ये 2 साल के कम्प्रिहेंसिव बैच है। अच्छा इसके साथ तुमको 6 महीने का कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बोला जाएगा भाई NLU एलुमनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एलुमनी, ठीक है यार ये होगा An Academy ऐप के ऊपर। अच्छा इसके साथ यू कैन यूज माई कोड आकाश स्टॉक, सबको पता है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, ठीक है, ये वाला कोड यूज करो फॉर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑन An Academy। एंड लाइव क्विज तो होते हैं, यूलेट नाम के एग्जाम्स होते हैं हर वीक एंड न्यू वीकली T20 गेस्ट तो होते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। अच्छा फ्यू डेज लेफ्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, मीन्स ICSE स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 29th एंड CBSE स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 30th ऑफ नवंबर एंड ISE स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 22nd, ठीक है। कल अगर नोटिफिकेशन आते हैं या फिर अगर हेयरिंग होते हैं तो क्या वो कल के अंदर ही समाप्त हो जाएगा? इसके रिगार्डिंग मैं तुमको और 2 चीज दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि द पिल वॉज ऑल्सो क्लेम्ड दैट प्रपोज द करेंट सिस्टम कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन मोड हैव बीन बैडली प्लान्ड एंड देयर इज अ लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड व्हिच विल अफेक्ट द स्टूडेंट्स। इट्स अ वेरी लेजिटिमेट पॉइंट इज दैट कि मोड ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट दैट मच गुड एंड इट विल गोइंग टू अफेक्ट द स्टूडेंट्स माइंड। अच्छा एक बात सुनो, देखो तुम लोग भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो कि भैया तो फिर होगा तो होगा क्या, ठीक है, होगा तो होगा क्या, क्या भैया ऑनलाइन होगा
या फिर भैया ऑफलाइन होगा, एक सीधा सीधा बात बोलिए ना, या फिर एक सीधा सीधा बात में आइए ना। देखो जब कोर्ट के कुछ मामले होते हैं यार, कोर्ट के कुछ केसेस होते हैं यार, तब सीधा सीधा बात बोला नहीं जाता, क्योंकि कोर्ट के हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, 22 से अगर आईएससी स्टार्ट होते हैं, 29 से अगर आईसीएसई स्टार्ट होते हैं, या फिर 30 से अगर सीबीएसई स्टार्ट होता है, तब भी बोर्ड के पास एक सफिशियंट डेट है टू मेक दी अरेंजमेंट इन ऑनलाइन। बट इन दिस पॉइंट आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी लेजिटिमेट पॉइंट, बिकॉज देखो जो बोर्ड यार इतने दिन से ऑनलाइन कंडक्ट ही नहीं कर पाया एग्जाम, एक हफ्ते के अंदर वो लोग एप्लीकेशन बनाएगा या फिर वेबसाइट बना के उसके अंदर कर सकते हैं। देखो करना पॉसिबल, आई एम नॉट टेलिंग इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, बट वेदर इट इज़ पॉसिबल फॉर द बोर्ड लाइक सीआईएससी, बिकॉज दे दोज हु हैवंट येट एंड दोज हु आर रियली वेरी मच कन्फ्यूज अमंग देमसेल्फ, इट इज़ नॉट दैट मच फीजिबल, आई थिंक सो फर्स्टली। ठीक है, देखो करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है, हम भी यार इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, हमको भी पता है कि कैसे क्या है, हमारे भी ऐप्स लॉन्च हो गया यार। अच्छा बाय द वे ऐप के बारे में यार, नया कोर्सेस आ रहा है या फिर जो भी कोर्स आया है, टेस्ट सीरीज भी है यार, जाके दो, ठीक है, नीचे लिंक है, जाके यार टेस्ट वगैरह दो, तुमको समझ में आएगा, क्योंकि अभी अगर ऑनलाइन होगा तो ठीक इस तरीके से एग्जाम होगा। आई डू एग्री, ठीक है, कर सकता है। अच्छा अभी स्टूडेंट के माध्यम से क्या बोला गया है, स्टूडेंट ये बोल रहा है कि द स्टूडेंट से दैट इट इज अ सुपर स्प्रेडर, कोविड इज अ सुपर स्प्रेडर, या ऑब्वियसली आई डू एग्री, एंड एट एनी स्टेट अगर हम ऑफलाइन एग्जाम करते हैं तो इट विल रियली इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फेक्शन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स एंड इट विल रियली बी अ बिग हेल्थ इशू। आई डू एग्री विद हर एक चीज, ठीक है, जो स्टूडेंट बोल रहे हैं। अच्छा मान लो कि कल वाले राय के अंदर, कल वाले सुप्रीम कोर्ट के केसेस के अंदर हाइब्रिड मोड ऑफ एग्जामिनेशन को बोला गया, फिर बोला जाता है, ठीक है, तो तुम लोग कौन सा वे चूज करने वाले हो फॉर योर आईसीएसई आईएससी एंड सीबीएसई, फॉर गिविंग यू आईसीएसई आईएससी सीबीएसई, वेदर इट इज ऑनलाइन मोड और इट इज ऑफलाइन मोड, कमेंट मी और स्टेट मी इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा अभी, देखो कल वाले राय के अंदर क्या था, एंड टुमारो माइट बी ना विल बी अ बिग डे फॉर सुप्रीम कोर्ट टू टेक द डिसीजन। भैया क्या फिर और एक दिन राय हो सकते है? यार हो सकते है, बट एक बात बोलूंगा यार, चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है हाइब्रिड है, अपना पढ़ाई को करते रहना। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त कर रहे हैं, मेरा तबीयत भी उतना सही नहीं है यार, इसीलिए अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। एनीवेज गुड बाय, गुड नाइट एंड कीप वॉचिंग आकाश टॉक्स।